अज जिथे मेरी पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का प्रकाश पुरब है उत्थे असी जून के पहले हफ्ते 1984 नूं होए घल्लूघारे के संबंध दे विच उस घल्लूघारे की याद में मनाउण दे लई इकट्ठे होए हां। श्री अकाल तख्त साहब विखे श्री अखंड पाठ साहब जी के भोग पए ने, उपरंत दीवान होए ने, अरदास होई है। मैं सब तो पहला श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के प्रकाश पुरब दियां सारियां देशों विदेशों दे विच वसदियां समूह नानक नाम लेवा सिख संगतां गुरु खालसा पंथ नूं वधाइयां देना। उत्थे ही 6 जून 1984 नूं जो दुखांत वापरिया सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी, श्री दरबार साहब, श्री अकाल तख्त साहब जी के सहित 35-36 गुरुद्वारे साहबान के उत्ते उस वक्त की भारतीय हकूमत ने हमला किया और इस हमले दे विच साडी कौम दे बहुत ही महान जरनैल सूरबीर योधे संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवाले, अमर शहीद भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी, शहीद बाबा अठारा सिंह जी, शहीद जनरल सुदेख सिंह जी, उन्हां दी असी शहीदी नूं याद करन वास्ते इकट्ठे होए हां। इन्हां दे नाल ही बेअंत सिंघां सिंघणियां बजुर्ग बच्चियां ने इस दिन दे उत्ते शहादतां जिहड़ियां उह दित्तियां। सिख मानसिकता दे उत्ते इह हमला सी जिहड़ा 1984 दे विच होया और इहदी पीड़ जिहड़ी है इह रहिंदी दुनिया तक सिख कदे भुला नहीं सकणगे। हमेशा ही इस घल्लूघारे नूं याद रख्या जाएगा और याद रख्या जांदा है। अज वड्डी तादाद विच भावें लॉकडाउन कारण सरकार वल्लों बहुत सारियां पाबंदियां जिहड़ियां ने उह आयद कीतियां गईआं ने, पर फिर भी सिख संगतां दे मनां दे अंदर श्री हरिमंदर साहब जी दे खुले दर्शन दीदारियां दी तमन्ना है, लालसा है, तांग है और उस तांग नूं पूरा करन वास्ते सिख अरदास भी करदा है अपने धार्मिक अस्थानां दे खुले दर्शन दीदारियां दी, ते उस तांग नूं पूरा करन वास्ते और शहीदां सिंघां नूं नतमस्तक होण वास्ते श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का प्रकाश पुरब मनाउण वास्ते अज बेअंत संगत जिहड़ी है वह दरबार साहब विखे नहीं आ सकी, पर जिन्नी भी आई है सारयां दा तहे दिलों असीं धन्नवाद करदे हां। अज शहीदां नूं याद करन वास्ते असीं पहुंचे हां और ये सिख मानसिकता के उत्ते हमला ये हमेशा हमेशा तक याद रखा जाता रहेगा। मैं उत्थे भी कह आया कि ये रोकां जिहड़ियां नहीं होनियां चाहीदियां, पर साडी जे असीं इक होईए, इकट्ठे होईए, रल मिल के बैठीए तो शायद ये रोकां जिहड़ियां ना लगन। ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रबंध है, प्रधान जी बैठे ने, इन्हां नूं बाद दे विच बहुत सारे चलान जिहड़े ने कोरोना दे नाल उत्ते कट्टे जांदे ने की मैनूं लगदा है कि शराब का घाटा जिहड़ा सरकार ने चलान कट के लोकां तों पूरा करना है, ये ठीक नहीं है। सकारात्मकता दे बारे विच अगलियां पीढ़ियां नूं दसण वास्ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अजिहा कोई उपराला नहीं कीता। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਛਾਪਿਆ ਸੀ 1986-87 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰੀ ਛਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਹੰਡੀ ਹੰਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਡੀ ਹੰਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਰੋਲਿਆ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਡੀ ਹੰਡਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੜਤੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼? ਦੇਖੋ, ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਗਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ। 36 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ? 36 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
तो इसलिए सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी के खुले दर्शन होन, संगतां नूं रोक ना होवे, इहो ही बस असी जे सानूं मिल जाए तो अन्ना की भाली चार अखा प्रधान जी बैठे ज्यादा जानकारी इन्हां नूं है जी पुछ देखो देखो बेगमपुरा न्यू जी है गुरु नानक साहब ने रखती है। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने श्री अकाल तख्त साहब की सिरजना की है। ये बहुत वड्डा साडा एक महान स्वतंत्र संकल्प है। मैं कह दिता हैगा कि जे भारत सरकार दिंदी है सानू तो असी लवांगे, जे सानू देगी तो असी लवांगे। दुनिया भर दे विच केड़ा सिख है जेड़ा नहीं इच्छा रखता। संतां दी जिंदा नूं सोच नूं जिंदा रखना जिहड़ा बड़ा जरूरी है। उहदे लई मैं कह रहा कि इतिहास जिहड़ा है उहनूं कलमबद्ध करना बड़ा जरूरी है कि उस वक्त की होया की नहीं होया की उहनां दी सोच सी, इह जरूरी। सरदार साहब एक शहीदी गैलरी जिहड़ी सी बनाउण जा रहे सी, उह काफी ज्यादा कम पेंडिंग पिया लंबे समय तो बैठे ने प्रधान जी, इन्हां नूं जानकारी ज्यादा। ठीक है जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह।